أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات اللهم صل على محمد. سامعین گرامی، جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے زمانہ امامت کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے ہم نے بنیادی اصول یہ طے کیا کہ ہمیں خدمات امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی رائے اپنی عقل سے یہ تقاضا کریں کہ امیر المومنین کو یہ کرنا چاہیے تھا یا وہ کرنا چاہیے تھا، یہاں پر انہیں تلوار کھینچ لینی چاہیے تھی اور یہاں انہیں اپنے مخالفین سے مصالحت کر لینی چاہیے تھی، حکومت کرنے کا موقع ملا تو کچھ فتوحات کا مظاہرہ کرتے، اپنے سے پہلے کے خلفاء کی طرح محاذوں پر کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے مملکت اسلامیہ کی حدوں میں اضافہ کرتے، یہ سب وہ کام ہیں جو ہم سپرد کر رہے ہیں علی کے، یہ سمجھتے ہوئے کہ گویا علی کی ذمہ داری ہے کہ ہماری خواہشات کی تکمیل کریں، اور یہ بات فراموش کر دیتے ہیں کہ علی ہمارے بنائے ہوئے نہیں، اللہ کے رسول کے نائب یا جانشین ہیں، اور جب ان کے جانشین ہیں تو ان کا فرض ہماری خواہشات کا احترام، منصب رسول کی ذمہ داریوں کو آگے بڑھانا ہے، اور چونکہ فرائض رسول میں قرآن کے ارشاد کے مطابق چار بنیادی کام تھے، یتلو علیہم آیاتہی، یزکیہم، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو یہ چار کام ایسے ہیں کہ جس کے لیے ہمیں علی بن ابی طالب سے یا ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کے عہد کے مورخ سے پوچھنا ہے کہ امیر المومنین نے ان موضوعات پر کیا کام کیا. اصولاً اب میں اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں کہ جہاں براہ راست کچھ خدمات امیر المومنین جو اسلام کی راہ میں آپ نے سر انجام دیں ان کا تذکرہ کر سکوں، لیکن ایک امکانی شبہ کا ازالہ کر دوں کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ جو حضور کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض تھے ان فرائض کو جاری رکھنا علی کی ذمہ داری ہے، دوسری طرف ہمارا عقیدہ یہ کہ نبی اکرم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، خاتم النبیین ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو فرائض ان کے سپرد تھے وہ مکمل طور پر ادا ہو گئے ہوں گے، اگر ان فرائض میں سے کچھ باقی ہو تو پھر سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کا کوئی جواز نہیں رہتا،
फिर तो निजाम जारी रहना चाहिए था। तो अब जब खातिमुन नबीन माना तो अब किसी ऐसे वसी की क्या जरूरत है जो आपके छोड़े हुए काम को आगे चलाए, बल्कि यूं कहिए कि जब निजाम नबूवत खत्म हो रहा है तो अब उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निजाम इमामत की क्या जरूरत है। बड़ी तफसीली गुफ्तगू है कि फराइज इमामत क्या हैं और फराइज नबूवत क्या हैं। इस वक्त उस हवाले से बात नहीं, सिर्फ ये कि नबी खातिमुन नबीन हैं और परवरदिगार आलम का इरशाद ये भी है कि अल योमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, हमने दीन भी मुकम्मल कर दिया और जो कुछ तुम्हारे लिए नेमतें मुकद्दर थीं, जो तुम्हारे लिए मुय्यन थीं, वो सब हमने नेमतें भी तमाम कर दी। तो तकमील दीन के बाद अब कौन सा काम बाकी रह गया है जिसके लिए नायब रसूल की जरूरत है। इमामत के फराइज जो कुछ भी हों, लेकिन एक जो काम बाकी है वो कोई अल्लाह की तरफ से मजीद खबर नहीं आएगी कि कोई नबी की जरूरत हो। जितनी खबरें जरूरी थीं, नबी का काम है खबर पहुंचाना, तो जितनी आलम बाला की खबरें थीं जो इंसानियत तक पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंच चुकी। रसूल का काम है मंशाए इलाही से इंसानियत को आगाह करना कि अल्लाह तुमसे क्या चाहता है और किन चीजों से तुम्हें बचाना चाहता है। उस मंशाए इलाही का को इंसानियत तक पहुंचाने का नाम है शरीयत। तो हर नबी का, हर रसूल का काम यह था कि वो शरीयत पहुंचाए। नबी जन्नत दोजख की खबर देता है, आलम बाला की खबर देता है, रसूल उन कवानीन को पहुंचाता है कि जिसके तहत हमें हुसूल जन्नत की कोशिश करनी चाहिए, जिसके जरिए हम जन्नत हासिल कर सकते हैं। जब आखिरी खबर जिसे अल्लाह ताला इंसानियत की बहबूद के लिए जरूरी समझता था पहुंच गई, तो अब नबी की जरूरत नहीं। जब आखिरी कानून आ जाए जिससे इंसानी माशरा जन्नत तक जा सके, तो अब रसूल की जरूरत नहीं। ये दोनों काम पूरे हो गए, अब किसी और निजाम की जरूरत क्या है? हिदायत के किसी और इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्या है? तो जनाबे वाला, मसले की नौइयत यह है कि इससे पहले अंबिया वही पैगाम लेते आए, लेकर आ रहे थे जो आखिरी पैगंबर लेके आए। कुरान मजीद ने कहा कि ये दीन कोई नया दीन नहीं है, ये वही दीन है जो आदम लाए थे और नूह लाए थे और इब्राहिम लाए थे, वही दीन है जो आखिरी पैगंबर लेके आया है। ये तो बातिल है जिसके शक्लें बदलती रहती हैं, हक रोजे अव्वल से एक है, एक रहेगा। तो दीन तो हमेशा एक रहा, फिर जब दीन एक था तो फिर एक नबी के बाद दूसरा नबी क्यों, दूसरे के बाद तीसरा क्यों, ये 1,24,000 अंबिया क्यों हैं? ये सिर्फ इसलिए हैं कि नया दीन नहीं आता, बल्कि पिछले दीन को जो नबी लाया था उसे इंसानियत भुला देती है। उस भूले हुए दीन को दोबारा जिंदा करने के लिए फिर नए नबी की जरूरत होती है। जब तक याद दहानी की जरूरत थी, अंबिया आते रहे, पिछले दीन को याद दिलाते रहे। अब जब खातिमुन नबीन आ जाएगा तो उसके बाद अब सबसे बड़ी जो जरूरत बाकी रहेगी वो इस बात की नहीं कि आसमान से कोई खबर आए, आसमान से कोई शरीयत आए, कोई नई किताब आए, नहीं, ये तो सब कुछ आ चुका, लेकिन जो कुछ आया है, किताब आई है, शरीयत आई है, दीन आया है, इस सब को कयामत तक बाकी रखना, ये वो काम है जो दरकार है। जो इससे पहले अंबिया दीन लाते रहे वो बचने नहीं पाया, तभी तो दूसरे नबी की जरूरत थी। अब अल्लाह कह रहा है ये आखिरी नबी है, इसके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। तो अब इस नबी की जरूरत यह है कि जहां पैगाम को पहुंचाए,
जहां दीन को पहुंचाए, शरीयत को पहुंचाए, वहां कोई ऐसा इंतजाम इंट्रोड्यूस करके जाए कि जिसके बाद ये जो कुछ पहुंचाया है ये कयामत तक महफूज रहे। हादी वो भी था जो पैगाम इलाही पहुंचा रहा था, हादी वो भी है जो इस दीन की हिफाजत कर रहा है। अब नबी का बुनियादी फरीजा यह है कि जिसको भी अपनी जगह पर छोड़ के जाए वो इस दीन का मुहाफिज हो, एक दिन के लिए नहीं, दो दिन के लिए नहीं, जब तक अब इस दीन को रहना है उस वक्त तक मुहाफिज को साथ रहना है। इस दीन की हिफाजत का निजाम, देखिए कुरान मजीद की एक आयत है जिसने हमें अक्सर औकात उलझन में डाला, सूरह मायदा में इरशाद हुआ कि या अय्युर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका, ए रसूल जो कुछ तुम पे नाजिल किया गया है उसे पहुंचा दो। इन लम तफल फमा बल्लगता रिसालता, अगर तुमने ऐसा न किया, ये नहीं पहुंचाया, तो तुमने रिसालत का काम ही सर अंजाम नहीं दिया। की आयत आई, हमने समझा ये कि ये गालिबन रसूल को बड़े सख्त लहजे में कहा जा रहा है कि ये जो काम कह रहे हैं ये अगर नहीं किया तो पिछला सारा काम खत्म, हम उसका हिसाब नहीं करेंगे। जनाब वाला गौर फरमाइए कि किस वक्त कहा जा रहा है। दीन इलाही को दुनिया तक पहुंचाने के लिए रसूल जहमतें उठा चुके, मुसीबतें झेल चुके, पत्थर खा चुके, अजीजों रिश्तेदारों को छोड़ चुके, वतन से हिजरत कर चुके, जितनी मसायब व मुश्किलात का सामना मुमकिन है वो सब कुछ कर चुके। अब वो वक्त आया है कि अब इस दुनिया से सफरे आखिरत बांधना है, रुखसत होना है। अब वो मौका आया कि जहां पर अल्लाह के हुजूर जो कुछ खिदमात सर अंजाम दी हैं उसका अज्र लेना है, इनाम लेना है, अपने काम की दाद लेनी है। जब तक रसूल जहमतें उठाता रहा, तकलीफ उठाता रहा, अल्लाह खामोशी से देखता रहा। जब सारे काम खत्म कर चुका तो अल्लाह कह रहा है कि अब ये जो एक काम आज कह रहा हूं ये ना किया तो तुमने कुछ नहीं किया। ये खिलाफ अदालत इलाही होगा कि जिस नबी ने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया हो उसको एक कोई काम सुपुर्द करके ये कहा जाए कि अगर तुमने ये ना किया तो सब पिछला खत्म। यानी ये तो एक अजीब सा रवैया हुआ कि जब तक काम लेना था तब तक तो खामोशी से काम लेता रहा, और जब इनाम देने की बारी आई, उजरत चुकाने की बारी आई, मजदूरी देने की बात आई तो वहां लहजा बदल गया, ये भी करो तब फिर फारिग करेंगे, तब तुम्हारी बात को कबूल करेंगे, वरना सब कुछ खत्म। एक तरह की माजरत के साथ अर्ज करूं, मुनासिब लफ्ज नहीं है, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग है कि सारी जिंदगी तुमने मेहनत की वो सब मेहनत जाये हो जाएगी अगर मेरी ये बात न मानी। बात ये नहीं है, न खुदा खिलाफ अदल कर सकता है और न उसका अल्लाह का हबीब ऐसा है कि उससे ये कहने की जरूरत पेश आए सख्ती से कि अगर ये नहीं किया तो फिर तुमने कुछ नहीं किया। रसूल ने कोई काम अल्लाह की तरफ से हुक्म आए तो उसमें पसोपेश किया ही नहीं, उसने कोई तरद्दुद किया ही नहीं, उसने हुक्म इलाही पे अमल करने में कोई देर नहीं की कि उसको धमकाने की जरूरत पेश आए, डराने की जरूरत पेश आए। मसला यह है कि काम की अहमियत का पता दिया जा रहा है कि ए रसूल जो काम मैंने तुम्हें अब हवाले किया है, अब तक तो तुम दीन पहुंचा रहे थे, वो काम तुमने बखूबी कर लिया, दीन को अच्छी तरह पहुंचा दिया, लेकिन अब जो काम सुपुर्द किया है अगर ये काम न किया तो ये मतलब नहीं कि हम तुम्हें इनाम नहीं देंगे, हम तुम्हें सिला नहीं देंगे। देखो तुम्हारे जिम्मे जो काम था इस काम को कयामत तक रहना है, अगर इसको कयामत तक रखना है तो जो काम आज बता रहे हैं ये कर लो, अगर ये नहीं करोगे तो सजा नहीं है बल्कि न करने का लाजमी नतीजा ये होगा कि ये दीन तुम्हारे साथ खत्म हो जाएगा। अगर इसको कयामत तक रखना चाहते हो तो ये काम जो आज कह रहे हैं कर लो। बस इस आयत के बाद रसूल जो अमल करेंगे वो अमल क्या होगा, वो अमल बुनियादी तौर पर इस दीन को कयामत तक बाकी रखने के निजाम का तारुफ होगा। अब गदीर में अगर रसूल किसी का बाजू पकड़ के कहें कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला,
तो ये अली की फजीलतों में इजाफा नहीं हो रहा बल्कि उस निजाम का तारुफ हो रहा है जो कयामत तक इस दीन की हिफाजत का जरिया होगा। तो अब हमारी समझ में आया कि जिस चीज को हम इमामत कहते हैं, ये इमामत नई शरीयत लाने का काम नहीं है, नई किताब लाने की जिम्मेदारी नहीं है, नई खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी है। अब अली का काम है कि जो कुछ रसूल छोड़ के गए हैं वो अपनी जगह मुकम्मल है। रसूल ने अपने काम में कुछ अधूरा नहीं छोड़ा, उसने दीन को मुकम्मल पहुंचाया है। अल्लाह की ये सनद मौजूद है कि दीन मुकम्मल हो गया, गोया उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जो कुछ छोड़ा है इसको कयामत तक महफूज रखना, यह जिम्मेदारी है निजामे इमामत की। अब अगर हमें अली के जमाने बज़ाहिर जमाने खामोशी जिसको आप दुनिया वालों ने कहा, उस जमाने खामोशी में ये देखना है कि अली ने क्या किया, तो अपने तौर पर अली के सिपुर काम न कीजिए, ये देखिए कि हिफाजत दीन के लिए अली ने क्या किया। और जब मैंने हिफाजत दीन कहा तो पेश नजर वो सारे फराइज नबूवत हैं, यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। ये जो यतलु अलैहिम आयातिही था, यानी हमारी आयात को लोगों तक पहुंचा दो, तो गोया उन आयात के पहुंचाने का नाम था कुरान। जी युज़क्कीहिम, अपने किरदार से लोगों के किरदार की तामीर ऐसी करो कि उसके नतीजे में वो किरदार ऐबों से पाक हो जाए, बुराइयों से दूर हो जाएं। तो जो जब अपने किरदार को नमूने अमल बनाओगे तो इस किरदार का नाम है तुम्हारी सुन्नत। जी अब जो कहा गया कि किताब व हिकमत की तालीम दो, तो किताब की तालीम का मतलब ये है नाजायज हलाल व हराम शरीयत के तमाम अहकामात तक तुम तक मुंतकिल हो जाएं। जब हिकमत की तालीम हुई तो उसका मतलब ये है कि जिंदगी गुजारने के आदाब, इस निजाम आलम को चलाने के तरीके, जिसको तुम सियासत कहते हो, जिसको तुम शहरियत कहते हो, उन सब के कवायद व जवाबित इंसानियत तक पहुंचा दो। ये काम थे रसूल के, कुरान, सुन्नत रसूल, तालीम शरीयत और तालीम तर्ज हयात, जिंदगी गुजारने का तरीका। या उसके अंदर हुकूमत का निजाम भी शामिल है, तिजारत का निजाम भी शामिल है, जितने शोबे हैं इंसानी जिंदगी को चलाने के, उन सब को चलाने के तरीके का नाम हिकमत है। ये तालीम भी देना इमाम का काम है। रसूल तालीम दे चुका है, उस तालीम की हिफाजत करना इमाम का काम है। अब अली का काम देखना है तो इस हवाले से देखिए कि हिफाजत कुरान के लिए अली ने क्या किया, हिफाजत सुन्नत के लिए अली ने क्या किया, हिफाजत दीन के लिए शरीयत के लिए अली ने क्या किया, और हिफाजत सियासत के लिए अली ने क्या किया। ये मौजूआत हैं जिसके तहत हमें अली के शख्सियत का, अली के उस दौर का जायजा लेना है, उसको समझने की कोशिश करना है। बुजुर्गान मोहतरम, मुमकिन नहीं है कि इन दो तीन तकरीरों में इन तमाम शोबों का इहाता किया जा सके, लेकिन मैं अर्ज कर रहा था कि ये सिलसिला गुफ्तगू इसलिए है कि तवज्जो दिला दूं कि ये शोबा ऐसा है कि जिधर अब तक हमारी निगाहें नहीं गई थी। हमें ध्यान देना चाहिए कि अली ने अपनी इमामत के 30 सालों में से ये 25 साल कैसे गुजारे, और जिन 4-4.5 साल का हमें इल्म है दौरे, तो उसमें भी हम ये देखते हैं अली ने जंगें कैसे लड़ी, अली मैदान में क्या कुछ करते रहे, जमल, सिफी, नहरवान, इन वाकयात को देखते रहे। वहां भी हमने ये नहीं देखा कि अली ने कुरान के लिए क्या किया, अली ने हदीस के लिए क्या किया, अली ने तालीम शरीयत के लिए क्या किया, अली ने तालीम सियासत के लिए क्या किया, ये हमने नहीं देखा। हमें चाहिए कि इन हवालों से अली को देखें ताकि हम समझ सकें कि एक इमाम अपने फराइज़ इमामत को कैसे अदा करता है, और खुसूसियत से इस हवाले से देखें कि इस इमाम के पास इख्तदार नहीं है, सल्तनत नहीं है। हम समझे कि काम उसी वक्त होते हैं जब हाथ में इख्तदार हो, इख्तियार हो, सल्तनत हो। हमें इमाम ये बताना चाहता है कि देखो तुम मोहताज होगे इख्तियार के, हम कभी मजबूर होते ही नहीं कि जरूरत इख्तियार हो।
अब इन सारे मौजूदात को तो यानी उन्वान के अलावा इनकी तरफ जाना बहुत ही नामुमकिन सी बात है। आइए कोशिश करते हैं कि जितना मुख्तसर सा अरसा है उसमें हम अली की वो खिदमात जो हिफाजत कुरान के सिलसिले में अली ने की है सिर्फ उसका जायजा ले सकें, और वो भी सरसरी जायजा होगा। अशरे दरकार हैं उन खिदमात के तजिए के लिए जो अली इब्ने अबी तालिब ने बकाए कुरान के लिए किए। लेकिन इब्तिदा में सिर्फ एक सवाल कि आखिर इस कुरान को हमने कैसे समझा कि इसकी हिफाजत की जरूरत है, कौन सा खतरा दरपेश था? आज तक मुसलमान ने कभी इस पहलू से गौर नहीं किया। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह हिज्र में इरशाद हुआ कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हिफाजत की जरूरत कब पेश आती है? किसी शय की हिफाजत की जरूरत कब पेश आती है? घर से बाहर निकले, जेब में बड़ी भारी रकम थी, जहां कहीं मजमे में से गुजरे तो एक मरतबा फिर जेब पे हाथ रख के देखा कि रकम महफूज है कि नहीं। कोशिश यह है कि वो किसी जाहिरी जेब में ना हो, जितनी अंदर जिस्म से करीब हो सके, जितनी पर्दों में हो सके उसको महफूज रखा जाए। यही तकाजा है ना, तमाम रास्ते हिफाजत करते रहे, पर्दों में छिपाते रहे, लोगों की निगाहों से ओझल रखते रहे, घर में पहुंचे इत्मीनान से कोट उतारा, कोट में से पर्स निकाला, पर्स निकाल के कहीं बिस्तर पे फेंक दिया, कहीं मेज पे रख दिया। अभी तो इतनी हिफाजत हो रही थी, अब क्या मामला है? कहा वहां खतरा था इसलिए हिफाजत हो रही थी, वहां लुट जाने का अंदेशा था इसलिए हिफाजत हो रही थी। अब यहां घर में सारे अपने हैं, इनके पास पहुंचकर कोई अंदेशा नहीं है। जरूरत हिफाजत वहां है जहां खतरा हो। अल्लाह कह रहा है इस कुरान की हिफाजत हम करेंगे। जब उसने अज़्म हिफाजत का ऐलान किया तो मालूम हुआ कि खतरा था। और याद रखिए कि मुहाफिज हमेशा खतरे की नौइयत, खतरे की शिद्दत के हवाले से मुतय्यन किया जाता है। अगर खतरा मामूली है तो सिर्फ हाथ से देख लेना काफी है कि रकम है कि नहीं है, लेकिन अगर रकम बड़ी है तो हो सकता है कि उसके लिए हम असलाह वाली गाड़ी मंगाएं, उसके ऊपर मजबूत गाड़ी पर वो रखें, कई मुहाफिज साथ करें, तब जाके उस रकम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। जितनी बड़ी रकम होगी उतना बड़ा मुहाफिज चाहिए। इतनी बड़ी कायनात में, इतने बहुत से कलमा गो मुसलमानों में, रसूल का नाम लेकर अपनी जान की कुर्बानी देने वाले लोगों के मजमे में अल्लाह इनमें से किसी को निगरान मुकर्रर नहीं कर रहा, कह रहा हम खुद हिफाजत करेंगे। अंदाजा लगाइए कि कुरान को खतरा कितना बड़ा था कि जहां खुदा जो कादिर मुतलक है वो कह रहा है मैं हिफाजत करूंगा, किसी और मुहाफिज पर मुझे भरोसा नहीं है। जब वो हिफाजत की बात कर रहा है तो खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन वो खतरा कहां था? वो खतरा कहां था? क्या काफिर खतरा थे? क्या मुशरिक खतरा थे? इससे पहले 1,24,000 अंबिया में से कमोबेश 313 अंबिया हैं जिनके ऊपर सहीफे नाजिल होते रहे, जिन पे किताबें नाजिल होती रही। इन किताबों में से आखिरी किताब है कुरान। जो बाकी 312 किताबें हैं वो सब तहरीफ शुदा हैं, वो सब अपनी सही हालत में कायम नहीं हैं। अब तफसीली गुफ्तगु है कि एक एक किताब का तजिया किया जाए और देखा जाए कौन सी किताब इनमें से किस शक्ल में मौजूद है और क्या वो शक्ल सही है कि नहीं। बात और ये इत्तेफाक है, मुसलमानों का अकीदा है कि जितनी किताबें हैं वो तहरीफ शुदा हैं, सिर्फ कुरान महफूज है। ये जो तहरीफ शुदा किताबें हैं, ये 312 किताबें जिनमें से अक्सर तो खत्म ही हो गई, उनका वजूद ही नहीं है। जो वजूद रखती हैं वो अपनी सही शक्ल में मौजूद नहीं है। उनकी शक्ल को बदलने की जिम्मेदारी किस पे है? हर नबी के दौर में कुफार भी मौजूद थे, उस नबी के दुश्मन भी मौजूद थे, उस दीन के दुश्मन भी मौजूद थे। जो दीन के दुश्मन होते थे, बाइबल की अगर दास्तान पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा कि बहुत से दुश्मनों ने कई मर्तबा बाइबल को जलाया। ओल्ड टेस्टमेंट कई मर्तबा जलाई गई, कई मर्तबा उसका वजूद बजाहिर निगाहों से ओझल हो गया। 100-100 साल तक बाइबल का पता नहीं चला। उसके बाद फिर किसी अल्लाह के नबी ने उस गुमशुदा किताब का सुराग बताया, फिर वो दोबारा वजूद में आई। तो जो दुश्मन होगा वो जला सकता है,
फाड़ सकता है, उठा के दरिया बुर्द कर सकता है, जमीन में दफन कर सकता है, लेकिन तहरीफ नहीं कर सकता। वो किताब खुदा में तब्दीली नहीं कर सकता, उसके अल्फाज को बदल नहीं सकता। ये कौन करेगा? ये नबी नहीं, ये कोई दुश्मन नहीं करेगा, काफिर नहीं करेगा, मुखालिफ नहीं करेगा। ये वो करेंगे जो उस किताब को कहते हैं इस किताब के मालिक हम हैं। जिन लोगों ने, चाहे वो पंडित रहे हों, चाहे पुरोहित रहे हों, चाहे वो पादरी रहे हों, जो भी दीन के अपने आप को मालिक करार दे रहे थे, जो दीन के साहब इख्तियार बंदे शुमार हो रहे थे, जो अपने आप को दीन का रिप्रेजेंटेटिव कह रहे थे, उनके हाथ में किताबें होती थी। वो हस्ब मंशा जब चाहते थे कभी उसके लफ्ज बदल देते थे, कभी उसके मानी बदल देते थे। ये लफ्ज और मानी बदलना ये दुश्मन का काम नहीं है, गैर नहीं कर सकता, ये अपने ही कर सकते हैं। देखिए, कोई नमाज का दुश्मन हो, वो आके नमाज को मिटा तो सकता है, नमाजी पढ़ने वाले नमाजी की गर्दन तो काट सकता है, लेकिन नमाज की रकतों में इजाफा कर दे, ये दुश्मन के बस की बात नहीं है। ये वही करेगा जो इमामत कर रहा है, जो नमाज की तालीम दे रहा है, जो नमाज का ठेकेदार है, वही इसके अंदर तहरीफ कर सकता है। तो अगर कुरान में कोई तहरीफ होने का इम्कान था तो काफिरों की तरफ से नहीं, मुशरिकों की तरफ से नहीं, कुरैश मक्का की तरफ से नहीं, ये तहरीफ होती तो मुसलमानों की तरफ से होती। और ये तहरीफ इसका इम्कान इतना शदीद था कि अल्लाह ने कहा कि घबराओ नहीं, इसकी मैं हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूं, मुझे मालूम है कि इसका दुश्मन बहुत ताकतवर है, इसका दुश्मन बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, इसलिए कि देखने में वो इंसान के लिबादे में है, लेकिन उसका लगा हुआ है जिसको हमने शैतान करार दे के, अगर आम इंसान अपनी अक्ल से कुरान को नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन वो दुश्मन इतना ताकतवर जरूर है कि वो इनको सिखा पढ़ाकर कुरान का रास्ता बदल सकता है। और फिर जब मुसलमानों में एक आवाज ये उठी कि हम इस कुरान को अपने लिए काफी समझते हैं, कुरान लेकर बज़्मे रिसालत से निकलने का ऐलान किया, जब कुछ लोगों ने कहा ये कुरान हमारा है, हम इसके मालिक हैं, उसी वक्त कुदरत इलाही ने कहा अच्छा हम समझ गए कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। अच्छा जनाब, ये सदियों की उड़ाई हुई गर्द है, ये मसला कुरान सदियों की उड़ाई हुई गर्द है। आज कुछ वाजे ही नहीं है कि कुरान मजीद को खतरा किससे था, दिफा का इंतजाम क्या किया गया। खुदा जाने, जो लोग ये कह के कुरान ले गए थे कि साहब ये कुरान हमारा है, हमारे लिए यही कुरान काफी है, उन्होंने बाद में ये ऐलान करना शुरू किया कि ये कुरान मौजूद है तो हमारी वजह से मौजूद है, हमने इसकी हिफाजत की। इतना शोर किया गया, ये दावा इतनी कसरत से किया गया कि हमने भी सोचा कि शायद इन्होंने ही जमा किया होगा, यही इसके मुहाफिज होंगे। ये नहीं सोचा कि अल्लाह कह रहा है इसका मुहाफिज मैं हूं। इस जुमले की अहमियत महसूस कीजिए, जिस जबान से अल्लाह कह रहा है, जिस जुमले में कह रहा है कि इसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, वो जुमला दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। इन्ना नहनो नज़लना, हम ही हैं जिसने इस किताब को नाजिल किया, वह नहनो और हम ही इसके हाफिज हैं, मुहाफिज हैं, हम ही ने नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, हम ही इसके नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसके मुहाफिज हैं। दोनों अमल अल्लाह अपनी जात के साथ मंसूब कर रहा है, अपना जिक्र उसने एक दफे किया, इन्ना नहनो, हम हैं जिसने नाजिल किया, वह इन्ना लहू लहाफिजून, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। गोया ये जो दोनों अमल हैं, ये दोनों हम पल्ला अमल हैं, बराबर बराबर के अमल हैं, जैसे मैं इसका नाजिल करने वाला हूं वैसे ही मैं इसका मुहाफिज हूं। नहीं, अभी जुमला वाज़े नहीं हुआ। ये दोनों अमल अल्लाह अपनी तरफ निस्बत दे रहा है, बराबर के अमल हैं, जैसे मैंने इसको नाजिल किया है वैसे ही मैं इसका मुहाफिज हूं। देखो हमने नाजिल किया है, ये जिब्राइल के पास लेके आया था, क्या तुम ये कह सकते हो कि इसमें कोई जुमला जिब्राइल का है?
कह सकते हो कि जिस पे नाजिल किया था कोई जुमला उसका है? नहीं, हमने नाजिल किया है, हमने नाजिल किया है, तो इसके नुजूल में किसी और का दखल नहीं है, किसी और का दखल नहीं है। अब जब उसने कहा कि किसी और का दखल नहीं है, उसके फौरन बाद कहा कि इन्ना लहू लहाफिजून, हम इसकी हिफाजत कर में भी किसी और का दखल नहीं है। नहीं, अब भी बात वाजे नहीं हुई, हमारा अकीदा दुनिया सुन ले। जब इन्ना नहनो नज़लना ज़िक्रा कहा कि हम ही ने इस जिक्र को नाजिल किया है, हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि खबरदार, इसके अंदर, इसके नुजूल में किसी और को हिस्सेदार न ठहराना। अगर किसी ने यह तसव्वुर कर दिया कि इसके अंदर बशर का कलाम शामिल है, कोई जुमला किसी मखलूक का शामिल है, जैसे ही वो ख्याल आया दायरे इस्लाम से बाहर हो गया। जिसने नुजूल में इंसान की शिरकत को माना वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। उसी जबान से अल्लाह कह रहा है इन्ना लहू लहाफिजून, हम ही इसके मुहाफिज हैं। अब अगर कोई कहता है कि फला ना होता तो कुरान महफूज ना होता, वो समझ ले कि दायरे इस्लाम से बाहर है। इस मरहले पर मुझे किसी किस्म की मुदाखलत जरा खल जाती है, लेकिन मजमे की जो सूरत हाल दरवाजे के पास है वो तवज्जो दिला रही है कि अगर आप हजरात इधर तशरीफ नहीं आए तो काफी जगह खाली। जरा इस तरफ बढ़ते जाइए, इधर खिदमत अमीरुल मोमिनीन का जिक्र बाद में। पहले अक्ल की कसौटी पर देखिए कि कुरान मजीद के हिफाजत के सिलसिले में क्या नुक्ता नजर होना चाहिए, क्या अकीदा होना चाहिए। अगर अल्लाह कह रहा है हम इसके मुहाफिज हैं, नबी ने अपना काम पूरी तरह सर अंजाम दे दिया, नबी का काम, तो अब हमारे हम ये समझते हैं कि नबी उसी वक्त अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा जब इस किताब को बसूरत किताब हमारे दरमियान छोड़ के जाए। बहुत सी तफसीलात इस मसले पे वजाहत के साथ बयान हो सकती हैं, लेकिन हमारा अकीदा दुनिया सुन ले कि हमारे नजदीक न इसके नुजूल में किसी मखलूक का दखल है, न इसकी हिफाजत में किसी का दखल है। और अगर दखल होगा, अगर दखल होगा तो वो गैर मासूम का दखल नहीं हो सकता। क्यों? दलील उसकी ये है कि अल्लाह जब किसी अमल को अपनी जात की तरफ मंसूब करता है, अल्लाह दुनिया में आके खुद कुछ नहीं करता, कहता है जिंदगी मैं देता हूं, मौत मैं देता हूं। तो क्या जिंदगी का तो हमें नहीं पता, वो तो नामालूम कितने पर्दों में अता होती है, उसे तो हम नहीं देख पाते, मौत को आते तो हमने देखा है ना। तो क्या अल्लाह आता है रूह कब्ज करने के लिए? नहीं, कहा गया कि साहब एक फरिश्ता है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो आके रूह कब्ज करे। कायनात का पूरा निजाम अल्लाह के फरिश्ते चला रहे हैं, हर फरिश्ता ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है जो अल्लाह ने उसके सुपुर्द की है। लेकिन उनकी कैफियत क्या है कि खुद कुरान ने कहा कि इनमें से जिसको हुक्म कयाम है वो कयाम की हालत में है, जिसको हुक्म रुकू है उसको रुकू वो रुकू की हालत में है। कोई फरिश्ता मंशाए इलाही से एक लम्हे के लिए इन्हराफ नहीं, सुपुर्द अपना काम करता है, जिसके काम को अपना काम कहता है वो मंशाए इलाही से कभी इन्हराफ नहीं करता। अल्लाह अगर किसी से काम लेता है तो चुनता है उसको जो मासूम हो, जिसमें खता की गुंजाइश ना हो, कोई ऐसा काम न कर दे कि अल्लाह के ऊपर हरफ आए कि अल्लाह तो बेऐब है ना, तो काम करने वाला बेऐब होगा तब अल्लाह कहेगा इसका काम मेरा काम है।
तो अगर कुरान की हिफाजत का कोई इंतजाम होगा तो वो इंतजाम कभी गैर मासूमों के हवाले नहीं हो सकता। कोई मासूम ढूंढिए जिसने अल्लाह की जगह कुरान की हिफाजत की हो। दुनिया बाज़े तौर पे सुन ले हमारे अकीदे के मुतालिक, अपने तौर पे राय मत दीजिए कि ये कुरान पर यकीन नहीं रखते, इस कुरान को तहरीफ शुदा मानते हैं, इसमें कमी बेशी के कायल हैं। सुन लीजिए कि हमारा अकीदा ये है कि इस जिस हालत में आज मौजूद है, इसी हालत में अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए छोड़ा है। चाहे हमारी समझ में इसकी तरतीब आए या ना आए, इसके अंदर किसी बशर का कोई दखल नहीं है इसके वजूद में। हमारा मुसलमा अकीदा है, हमारे जय्यद उलमा जितने भी सफे अव्वल के उलमा हैं उन सब का यही अकीदा है, माजी में भी और आज भी। शेख सुद्दूक अलैह रहमा, आकाए शेख उत्ताइफा जनाब शेख तूसी अलैह रहमा, जो हमारी चार बुनियादी किताबों में से दो किताबों को तरतीब देने वाले हैं, शेख मुफीद, उनके दो शागिर्द सैयद रजी सैयद मुर्तजा, ये सब के सब इस बात के कायल हैं, ये सफे अव्वल के कदीम उलमा हैं जो इस बात के कायल हैं कि ये कुरान मजीद जिस हालत में है, जिस कैफियत में है और जितना है, इतना ही रसूल दुनिया में इसी तरह छोड़ कर गए हैं। और आज आयतुल्ला अबुल कासिम अल खुई अल्लाह मुकामहू, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, जनाबे सैयदुल उलमा अल्लामा अली नकी, इस अहद के जितने उलमा हैं उनका भी यकीदा है कि इस कुरान मजीद में कोई कमी बेशी नहीं हुई, कोई रद्दो बदल नहीं हुई। इसे इस अहद के जितने उलमा हैं उनका भी यकीदा है कि इस कुरान मजीद में कोई कमी बेशी नहीं हुई, कोई रद्दो बदल नहीं हुई। इसे ये तो हुई अकीदे की बात, ये तो हुई अकीदे की बात। अब दुनिया हमारे मुतालिक कुछ कहती रहे ये उसकी अपनी राय होगी, ये हमारा अकीदा नहीं है। इस कुरान को इस हालत में महफूज होने में अइम्मा ने क्या किरदार अदा किया और बिलखसूस अली इब्ने अबी तालिब ने क्या किरदार अदा किया, ये देखना अब हमारा काम है। हमारे अकीदे को दुनिया समझ ले कि हम इसके अंदर किसी तहरीफ और तरमीम के खिलाफ नहीं हैं। ये कहना कि कुरान मजीद बिखरा हुआ था, कहीं हड्डियों पे लिखा हुआ था, कहीं दरख्त के पत्तों पे लिखा हुआ था, कहीं कागजों पे लिखा हुआ था, अल्लाह भला करे हमारे दो तीन साहिबान इख्तदार का कि उन्होंने मेहरबानी की, चंद आदमियों को मुतय्यन किया और उन्होंने ये कुरान जमा किया। काश मेरे पास तफसीली वक्त होता कि मैं इन रवायतों का तजिया करता और इन सब के ऊपर बात करता। अब तो गुफ्तगू अजमाली होगी, यानी कलेक्टिव गुफ्तगू में मसाइल को वाजे करने की कोशिश करूंगा, वरना एक एक रवायत का तजिया किया जा सकता है। आयतुल्लाह अबुल कासिम अल खुई ने एक किताब लिखी अल बयान के नाम से, तफसीर लिख रहे थे कुरान मजीद की, लेकिन एक जिल्द लिखने के बाद उन्होंने जरूरत महसूस नहीं की कि उसको मुकम्मल करें, वहीं पर छोड़ दिया। इसलिए कि उसी वक्त जनाब मोहम्मद हुसैन तबातबाई की एक और बड़ी जामे तफसीर अल मीज़ान आ गई थी, तो आयतुल्लाह खुई की राय यह हुई कि अल मीज़ान की मौजूदगी में अब जरूरत नहीं है कि मैं तफसीर लिखूं, क्योंकि ये जामे तफसीर मौजूद है। बाहर तौर वो जो एक जिल्द लिखी अल बयान के नाम से, उसके अंदर उन्होंने हमारे भाइयों की 27 रवायतें जमा की हैं कि कुरान के सिलसिले में हमने क्या क्या किया, ये कैसे जमा हुआ। किसी ने कहा पहली खिलाफत में जमा हुआ, किसी रवायत के मुताबिक दूसरी खिलाफत में जमा हुआ, किसी रवायत के मुताबिक तीसरी खिलाफत में जमा हुआ, किसी ने कहा एक आदमी का कमीशन बनाया गया, किसी ने कहा तीन आदमियों का, किसी ने कहा चार आदमियों का कमीशन बनाया गया, किसी ने कहा फना बुजुर्ग ने बैठकर अपने हाथ से लिखा। गरज 27 रवायतें हैं और इन 27 रवायतों की सूरत यह है कि अगर किसी एक को मानिए तो 26 झूठ। अगर ये मानिए हुआ तो फिर वो सब झूठ है जो कहा गया दूसरे या तीसरी खिलाफत में जमा हुआ। अगर मानिए तीसरी खिलाफत में जमा हुआ तो पहलों के ऊपर जो निस्बत दी गई वो सब गलत। सन 2006 में बरतानिया में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई थी दौरे हाजिर में इस्लाम के सिलसिले में, उसके साथ साथ एक नुमाइश मुकर्रर की गई लंदन म्यूजियम ने उस नुमाइश का एहतमाम किया था, उसका नाम था सेक्रेड। उस सेक्रेड में यानी वो मुकद्दस किताबें जिनको
यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम मुकद्दस किताबें करार देती है। उन किताबों के वो कलमी नुस्खे जो मुख्तलिफ औकात में लिखे गए और बड़े आरास्ता और पैरास्ता थे, वो नुमाइश के लिए रखे गए। उस नुमाइश के साथ साथ एक एहतमाम ये किया गया कि किताब छापी गई इसी नाम से, सेक्रेट के नाम से। उसमें इन तमाम किताबों की तारीख पर एक एक आर्टिकल किसी प्रोफेसर साहेबान ने अपने अपने तौर पर लिखा। जो कुरान पे आर्टिकल लिखा गया उसके अंदर इंकशाफ किया गया कि जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त इसका आथर, या दूसरे लफ्जों में उनके नजदीक तो वो आथर कहलाएगा, हमारे नजदीक जिस पैगंबर पर कुरान नाजिल हो रहा था, उनके कहने के मुताबिक उस पैगंबर को कोई ख्याल नहीं था कि इसको किताबी शक्ल दी जाए, कोई ख्याल नहीं था कि किताबी शक्ल दी जाए। ये बाद में दो दहाइयां गुजरने के बाद, दो डिकेड गुजरने के बाद किसी वक्त नामालूम लोगों ने किताबी शक्ल में जमा किया। ये वो जो ये बात लिख रहा है वो इसलिए लिख रहा है कि आपने इतनी रवायतें बयान की कि फैसला ही नहीं हो सकता कि कुरान किसने जमा किया। उसने कहा ये कंफ्यूजन इसलिए है कि किसी को कोई पता ही नहीं किसने जमा किया किताबी शक्ल में, खुद रसूल की ख्वाहिश नहीं थी। अब इसका जवाब उसूलन उनको देना चाहिए, और जब तवज्जो दिलाई गई, मैनचेस्टर के एक मौलाना थे उनकी तवज्जो दिलाई गई, हुजूर ये सत्रें देखी हैं, उन्होंने कहा हम उनको कहते हैं तहरीफ शुदा किताब है, वो हमें कहते हैं कि कुरान तहरीफ शुदा है। नहीं हुआ, जरा वजाहत फरमाइए कि आखिर ये जो कुछ कहा जा रहा है क्यों कहा जा रहा है। ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि आपको इसरार है कि कुरान हयात रसूल में जमा नहीं हुआ था, बाद में फलाने जमा किया, फलाने जमा किया। आप तो अपने अपने हीरोज के माथे पर सेहरा पहना रहे हैं। कुरान की सेहत कयामत तक के लिए मशकूक हो गई। अपने सो कॉल्ड बड़ों को हकीकी बड़ा बनाने के लिए उनके साथ निस्बत दी जा रही है कि इन्होंने ये काम किया, इसलिए अब आज पूरा कुरान मशकूक है। क्यों नहीं इस मसले पर शिया सुन्नी सब मुत्तफिक होकर ये बात कहते कि जिस हालत में कुरान मौजूद है ये हुजूर खुद जमा कर गए थे, जिस किताबी शक्ल में आज है ये हुजूर के अहद में हो चुका था। अगर ये बात शिया सुन्नी मान लें तो अब गैर को एतराज करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन तुमने अपना कुरान से रिश्ता साबित करने के लिए तो ये कहा कि ये जो दूसरे हैं ना, इनका इस कुरान पे यकीन ही नहीं, इनके तो 40 सिपारों का कुरान है। ये कहते हैं हमारा कुरान, हमारा इमाम जब आएगा तो लेके आएगा, वरना ये कुरान असली कुरान नहीं है। एक तरफ तो ये कहा कि इनका कुरान से ताल्लुक नहीं, दूसरी तरफ अपना ताल्लुक जाहिर करने के लिए कहा कि हम ना बचाते तो ये बचता नहीं। दोनों बातों में बैनुल अक़वामी सतह पर मुसलमान को कुरान के सिलसिले में स्टैंड लेने के काबिल नहीं छोड़ा। जब वो कहते हैं ये कुरान महफूज है तो फौरन कहा जाता है तुम तो खुद कहते हो कि तुम्हारे आधे के करीब मजमा जो है, जो तुम्हारी मिल्लत के अफराद हैं, वो इस कुरान को सही मानते ही नहीं, पहले तुम तो मुत्तफिक हो जाओ फिर हमें कायल करना जी। और फिर जब तुम कहते हो कि ये हमने जमा किया और जिनने जमा किया उनको तुम मासूम भी नहीं मानते, तो इस बात का क्या सबूत है कि गैर मासूम जमा करे? तो जो कुछ जमा करे वो पूरा कुरान हो, और जो कुछ जमा करे उसके अलावा कुरान ना हो। बात फैल जाएगी। एक इतनी सी बात कह दूं, हमारे एक बहुत बड़े शायर पाकिस्तान के कौमी शायर कहलाते हैं अल्लामा इकबाल, बड़ी खिदमात हैं इस पाकिस्तान का नजरिया पेश करने वाले, और मिल्लत इस्लामिया की बेदारी के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उनका सारा कलाम मिल्लत इस्लामिया को के अहद नौ की तरफ उसको बुलाने के लिए वो पैगाम है। उनके मुतालिक सूरत हाल ये हुई कि उनकी हयात में उनकी मुतअद्दिद किताबें छपी, उनका फारसी कलाम भी शाये होता रहा, उर्दू कलाम भी शाये होता रहा, लेकिन उनके दुनिया सन 1938 में उनका इंतकाल हुआ। उनके दुनिया से जाने के बाद अब ये सोचा गया कि उनका बहुत सा कलाम है जो कुछ रिसालों में छपा है, कुछ उनके
जाती जो खुतूत वगैरह हैं उसके अंदर दर्ज है, कुछ दोस्तों की महफिल में बैठ के उन्होंने कलाम कहा है, तो क्यों ना ये सारा कलाम जमा किया जाए। चुनांचे सारा कलाम जमा करने की कोशिश की गई जो शाये नहीं हुआ था, जो उन किताबों में नहीं आया था। तो एक किताब लिखी गई जिसका नाम था बाकियात इकबाल, वो तकरीबन 700 सफ़े की किताब है, उसमें इकबाल का वो सारा कलाम छापा गया जो ढूंढ ढूंढ के मुख्तलिफ जगहों पर मिला। उसके बाद फिर इंकशाफ हुआ कि अभी कुछ कलाम और बाकी है, वो भी जमा होना चाहिए। तो एक किताब छपी जिसका नाम था रख्त सफर, उसके अंदर बाकी मानदा कलाम जमा किया गया। फिर एहसास हुआ कि अब भी कुछ कलाम बाकी है, और एक और किताब लिखी गई जिसका नाम है सुरूद रफ्तार, उसमें इकबाल का कलाम जमा किया गया। ये सब जमा होने के बाद आज भी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि अल्लामा इकबाल का कहा किताबों में जमा हो गया है। यहाँ बरे सगीर के उस हिस्से से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी तशरीफ फरमा है जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है। इस हिंदुस्तान का दारुलहुकूमत दिल्ली है। दिल्ली में एक मुमताज शख्सियत जनाब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का मजार है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पायती की तरफ एक दो बादशाहों की खबरों के बाद एक बड़ी नामवर शख्सियत की खबर है जिनको हम अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं। अमीर खुसरो की पायती जो रास्ता है उस रास्ते से गुजर के एक पीपल का पुराना दरख्त है, एक पीपल का पुराना दरख्त है। उस दरख्त के ऊपर टीन की एक बहुत बड़ी एक बड़ा भारी बोर्ड लटका हुआ है और उसके ऊपर एक नज्म लिखी हुई है। ये नज्म ख्वाजा हसन निजामी जो निजामुद्दीन औलिया के गद्दी नशीन सज्जादा नशीन थे, अल्लामा इकबाल के दोस्त थे, तो उन्होंने अपने उस दोस्त की तारीफ में एक नज्म कही थी। वो नज्म लिख कर चूंकि एक बड़े जैयद शायर ने एक बड़ी शख्सियत के लिए नज्म कही थी तो वहां पर वो लटका दी गई है। वो नज्म ना बाकियात इकबाल में है, ना सुरूद रफ्ता में है और ना रख्त सफर में है। तीन किताबें जमा हुई, अल्लामा इकबाल का आज कलाम मौजूद है जो इन तीन किताबों में शामिल नहीं है। अच्छा, और जो कुछ अल्लामा इकबाल के नाम से शाये किया गया अल्लामा इकबाल का कलाम है उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसके लिए लोगों ने दावा किया कि अल्लामा इकबाल का कलाम नहीं है। खुद उनके साहबजादे जावेद इकबाल ने कहा कि मेरे बाप के मुतालिक जो कुछ कहा गया उनमें से सारी बातें मेरे बाबा ने नहीं कही, उनके अशार नहीं हैं। कुछ अशार ऐसे हैं कि जिनके मुतालिक हम सबको यकीन है कि इकबाल के हैं लेकिन तारीख ने बताया कि वो इकबाल के नहीं हैं। मसलन एक बड़ा मशहूर शेर है, हमारे यहाँ स्कूलों की दीवारों पे लिखा हुआ है, बच्चे बच्चों को याद है, तकरीर के दौरान स्कूल और कॉलेज के मुकर्ररीन उसको इस्तेमाल करते हैं। वो शेर है कि तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इकबाल के मारूफ शेरों में शुमार होता है। इस शेर से अल्लामा इकबाल का कोई ताल्लुक नहीं। एक साहब सियालकोट से के करीब एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है शकरगढ़, वहां पर एक वकील थे, उनका नाम है सादिक हुसैन साहब, सैयद सादिक हुसैन शाह साहब। उन्होंने ये शेर कहा था, कोई 30-32 शेरों की नज्म कही थी, उसमें एक ये शेर था। वो बेचारे रोते रहे, वो मुख्तलिफ मजामीन लिखे, मुख्तलिफ अखबारों में उनके बयानात शाये हुए कि जनाब मेरा कुल सरमाया ये एक शेर है। जो कुछ मैंने कहा है उसमें यही एक वाहिद शेर है जो मेरा सरमाया है। अगर अल्लामा इकबाल को दे दीजिएगा तो उसके बेपनाह खजाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी दुनिया वीरान हो जाएगी। जी एक और शेर जो अक्सर इस मिंबर से भी लोगों के सामने दोहराया जाता है कि इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीजें हैं, एक ज़र्बे यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी। ये शेर ये भी कहा जाता है अल्लामा इकबाल का, जनाब वाला ये भी शेर अल्लामा इकबाल का नहीं है। ये एक साहब थे वकार अम्बालवी, ये शेर उनका है। लाहौर से एक पर्चा छपना शुरू हुआ, उसका नाम था ज़र्बे यदुल्लाही। उसके एडिटर ने दरखास्त की कि कोई शेर ऐसा कह दीजिए जो हम इसके ऊपर टाइटल के ऊपर जहां नाम लिखे उसके ऊपर ये शेर दर्ज कर सकें। चुनांचे 3 साल तक वो अखबार छपता रहा और उस पर टाइटल का ये शेर लिखा जाता रहा, इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीजें हैं, एक ज़र्बे एक सजदा शब्बीरी, एक ज़र्बे यदुल्लाही, ताकि उसका नाम आ जाए। फिर ये 3 साल तक छपता रहा और वकार अम्बालवी के नाम से छपता रहा, लेकिन आज ये शेर अल्लामा इकबाल के नाम मंसूब हो गया। यानी सन 1938 में मरने वाला अल्लामा इकबाल इस इंफॉर्मेशन के दौर में दुनिया से जाता है, उस दौर में उसके कहे हुए कलाम को जमा करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद तो न पूरा कलाम जमा होता है और न जो कुछ जमा होता है उसका कलाम होता है।
उस 1400 साल के जमाने के अहद में, 1400 साल पहले के दौर में, जब इंफॉर्मेशन के ये वसायल नहीं थे, जब जमा करने के लिए हुकूमत के पास वो जराए नहीं थे, उस वक्त रसूल के दुनिया से जाने के 20-25 साल बाद अगर सहाबा कुरान जमा करेंगे तो ना इसका सबूत कि जो कुछ जमा किया है ये सारा कुरान है, ना इसका सबूत कि जो कुछ जमा किया है वो सब कुरान है। तो कुरान पर इल्जाम का रास्ता तो आपने खोला है ना, आपने ही सूरत हाल पैदा की है। रसूल बिखरा हुआ छोड़ गए थे किताबी शक्ल में, उन्होंने तो किया नहीं था, बाद में हमें अल्लाह ने तौफीक दी, हमने वो काम किया जो रसूल नहीं कर सके थे। ये दावा किया वाला, ये अजीब बात है, बस एक हवाला दे के बात को मंजिल तक पहुंचाऊं कि ये अजीब बात है ये कहना किताबी शक्ल में नहीं छोड़ा गया था। देखिए कुरान मजीद अजीब गरीब किताब है कि रोज अव्वल से जब से नाजिल हो रही है दुनिया के सामने रसूल उसको किताब के तौर पे पेश कर रहे हैं। कम अज कम 200 से ज्यादा मर्तबा कुरान मजीद ने किताब का लफ्ज इस्तेमाल किया है और इसमें से 2/3 times ये किताब का लफ्ज कुरान के लिए इस्तेमाल हुआ है। जालिकल किताब ला रैब फी, ये किताब है, ये कुरान वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। लकद जाकुम मिनल्लाह किताबों व नूरुम मुबीन, अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ एक किताब लेके आया है और एक नूर लेके आया है अल्लाह का नबी जी। कभी इरशाद हुआ कि ये तुमसे आके पूछते हैं कि तुम्हारी नबूवत का गवाह क्या कौन है, तो कह दो कि तुम्हारा गवाह कोई और नहीं है सिवाय उसके कि जो अल्लाह है। कफा बिल्लाह शहीदन बैनी व बैनकुम, तुम्हारे हमारे दरमियान एक गवाह अल्लाह काफी है और एक वो कि मनंदहु इल्मुल किताब, और एक वो जो इल्म किताब रखता है। कुरान जगह जगह अपना तारुफ बतौर किताब के करा रहा है। अच्छा बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि जनाब ये आपने कह तो दिया, यकीनन कुरान बार बार अपने आप को किताब कह रहा है, लेकिन जब कुरान किताब कह रहा है तो सूरत अहवाल ये है कि बाज़ औक़ात मुसन्निफ अभी 2 सफ़े लिखता है, कोई पूछता है क्या लिख रहे हो, कहता है मैं अपनी नई किताब लिख रहा हूं, अभी किताब का पूरा वजूद नहीं है, इतलाक हो जाता है, अभी कुरान नाजिल हो रहा है, अल्लाह कह रहा है किताब है। ठीक है जनाब, यहां हो सकता है कि अल्लाह ने कह दिया हो किताब, लेकिन रसूल को अल्लाह के इस अमल को बाकायदा अमली सूरत देने का मौका नऊज़ बिल्लाह ना मिला हो और वो किताब ना बना सके हो। लेकिन 2 ऐसे मौके हैं कि जहां यह सवाल लाजमन उठना चाहिए था कि वो किताब है कहां। एक मौका जहां यह सवाल मुसलमान को पूछना चाहिए था, एक मौका जहां यह सवाल रसूल को पूछना चाहिए था, नहीं। सारी नबूवत का दौर खत्म हो गया, रसूल आए आखिरी हज के लिए। ये आखिरी हज आज ही नहीं, हम आखिरी हज कह रहे हैं, उस वक्त के मुसलमानों को भी एहसास दिला दिया गया था कि ये हुजूर का पहला और आखिरी हज है। 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ, 9 हिजरी में हुजूर हज के लिए तशरीफ नहीं ले गए, 10 हिजरी आप तशरीफ ले गए और जो जाके आपने खुतबा दिया है, जो आपने हज का खुतबा दिया है मैदान अरफात में, उसके अंदर ऐलान कर दिया कि अब वक्त करीब आ गया है कि जब मुझे इस दुनिया से जाना है। फिर उसके बाद वहां से निकले और जब खुम्मे गदीर के मैदान में पहुंचे, फिर सारे मजमे को जमा किया, 1,40,000 का मजमा, उस दौर का गैर मामूली मजमा, शायद दुनिया में कभी इतने अफराद उस वक्त तक एक मुकाम पे जमा न हुए हों जितने खुम्मे गदीर के मैदान में जमा हुए। 1,40,000 बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उस जमाने के एतबार से। उनके सामने रसूल ने खुतबा और दिया, उस खुतबे में यही बताया कि पिछले अंबिया भी आए और चले गए और मुझे भी अल्लाह की तरफ से बुलावा आ सकता है, तो सुनो मैं जा रहा हूं। अब ये किन लोगों से खिताब हो रहा है, वो जो अपने घरों को छोड़कर रसूल की बारगाह में आए हैं, जो अपने पिछले दीन को छोड़कर इस दीन में दाखिल हुए हैं, जिन्होंने जमाने भर से दुश्मनी ली है, लड़ाइयां ली हैं, अपनी जान को खतरे में डाला है, कई अजीजों की मुख्तलिफ मैदान जंग में कुर्बानियां दी हैं, किस लिए कि इस रसूल से हिदायत हासिल करें, इससे रहनुमाई हासिल करें, इससे दीन का पता मालूम करें, अपने निजात का रास्ता मालूम करें। वो रसूल कह रहा है मैं जा रहा हूं,
मैं जा रहा हूं, सारी दुनिया कहेगी आपसे हिदायत लेने के लिए हम आए और आप जा रहे हैं, तो हमारा क्या इंतजाम है, हिदायत का क्या निजाम है? तो उस पर रसूल ने एक और लफ्ज कहा, इन्नी तारेकुम, तुम मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। जैसे ही कहा छोड़कर जा रहा हूं, तो वाजे हो गया इस लफ्ज से कि रसूल जा रहा है और जिसको छोड़ के जा रहा है उसे हमारा वारिस बना के जा रहा है। अब मुसलमानों ने जो साए सित्ता की मुस्तनद तरीन किताबें हैं, उन्होंने तो रसूल का ये कौल नकल किया कि हुजूर ने फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम, तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। क्या? सकलैन, दो वजनदार चीजें, दो वजनी चीजें। एक चीज है किताब अल्लाह और दूसरी चीज है अहले बैत। इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, किताब अल्लाह हो अहले बैती वही रहती। मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताब और एक अहले बैत व इतरत। अब उसके उसके मुकाबले में हमारे मिलती है छह सही किताबों में नहीं है, ये कमजोर सी किताबों में एक हदीस है जिसको बड़े जोर शोर से बयान किया जाता है कि ये कहा गया कि हुजूर ने फरमाया था दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, किताब अल्लाह सुन्नती। अब ये मुसलमान बहस करते रहे कि रसूल ने सुन्नत कहा था या अहले बैत कहा था, हमारे नजदीक दोनों में से कुछ कहा था मतलब एक ही है। वजाहत की जरूरत नहीं। अगर अल्लाह का रसूल कहेगा कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, किताब अल्लाह हो सुन्नत या किताब अल्लाह हो इतरत, किताब अल्लाह हो अहले बैत, ये सब एक ही लफ्ज के कई शक्लें हैं। इसलिए कि रसूल अगर सुन्नत को छोड़ के जाएंगे तो किस शक्ल में भाई, कोई वीडियो बना के दे के जाएंगे ना। सुन्नत रसूल के उठने बैठने चलने फिरने खाने पीने का नाम है ना, तो ये छोड़ी जाएगी तो कैसे छोड़ी जाएगी? अभी इमाम बुखारी नहीं आए, अभी इमाम मुस्लिम नहीं आए, जब रसूल छोड़ रहे हैं। कोई ये ना कहे जो किताबों में छोड़ा है वो रसूल की सुन्नत है, जब रसूल जा रहे थे तो सुन्नत की शक्ल में छोड़ के जा रहे थे। सिवाय इसके कि कुछ शख्सियतें हैं जो रसूल के चलने फिरने की ऐन तस्वीर हैं, उन शख्सियतों का नाम अहले बैत है। तुम चाहे ये कहो कि रसूल सुन्नत छोड़ के गए, चाहे ये कहो अहले बैत छोड़ के गए, दोनों के मानी एक ही हैं। इसलिए हमारी बहस उससे नहीं, उससे बहस नहीं। दोनों जुमलों में ये तो कह रहे हैं ना रसूल कि मैं तुम्हें किताब अल्लाह छोड़ के जा रहा हूं। जो मुसलमान जिसने ना मालूम कितनी कुर्बानियां देकर इस्लाम कबूल किया है, उससे रसूल कह रहा है कि मैं तुम्हें अब तुम्हारी हिदायत के लिए दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इनका दामन पकड़ोगे तो कयामत तक गुमराह नहीं होगे। उस वक्त अहले बैत और सुन्नत पे पहले ही मुसलमान लड़ रहा है, कम से कम किताब अल्लाह पे मुत्तफिक था। क्या उसको ये पूछने का हक नहीं था, या रसूल अल्लाह हम आपके पीछे आए थे, वो किताब कहाँ है जिसको आप हमारे हवाले करके जा रहे हैं? उसका लाजमी मतलब था कि रसूल किताब छोड़ के जा रहे हैं, वरना पूछने वाले जरूर पूछते, या रसूल अल्लाह किसके हवाले करके जा रहे हैं, वो किताब है कहां? किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। यहां मुसलमान को पूछना चाहिए था। एक मरहला और आया, रसूल ने कहा आओ तुम्हें एक ऐसी तहरीर दे दूं कि कयामत तक तुम गुमराह नहीं होगे, उस तहरीक से तमस्सुक रखोगे तो कयामत तक गुमराह नहीं होगे। हमें नहीं मालूम रसूल क्या लिखवाते, लेकिन हमने वो जवाब सुना कि लोगों ने कहा हमें तहरीर की जरूरत नहीं, हमारे लिए किताब खुदा काफी है। बारगाह रसूल से बारगाहे रसूल से निकल रहे हैं, ये कह के किताब खुदा काफी है। रसूल कहते ना मियां जा तो रहे हो, बताओ वो किताब है कहां।
जब मुसलमान को पूछना था किताब कहाँ है, उन्होंने नहीं पूछा। जब रसूल को पूछना था किताब, नहीं पूछा। इसलिए मानना पड़ेगा कि उस अहद का मुसलमान अच्छी तरह जानता था कि रसूल किताब छोड़ कर जा रहे हैं। रसूल किताब छोड़ कर गए थे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। रसूल आया ही इस कुरान को पहुंचाने के लिए था, सिर्फ किताब नहीं छोड़ के गया था। किताब छोड़ जाता, लफ्ज महफूज रह जाते, अगर मानी महफूज ना रहते तब भी कुरान में तहरीफ हो जाती। इसलिए एक डिक्शनरी भी साथ छोड़ी रसूल ने। कुरान के लफ्जों के मानी खुद अपनी मर्जी से ना लेना, ये डिक्शनरी मौजूद है, इसके सफे उलटना कहीं ना कहीं तुम्हें मानी मिल जाएंगे। उसी डिक्शनरी का नाम था अहले बैत। और लोगों ने कहा कि उस वक्त कह रहे थे कि हमारे लिए किताब खुदा काफी है, ये किताब से अकीदत का मुजाहरा था। जी नहीं, ये कोशिश थी कि किसी सूरत से किताब पे कब्जा हो जाए, फिर इसके साथ जो खेल हम खेलना चाहेंगे खेल लेंगे। और आप ये समझ लीजिए कि जो तारीख का एक अजीम शान मारका हुआ है, वो न सल्तनत की लड़ाई थी न इख्तदार की लड़ाई थी। मसला सिर्फ ये था कि वो चाहते थे कि जो मुहाफिजीन कुरान है उनसे कुरान छीन कर, कुछ कुव्वतें चाहती थी कि अपनी तहवील में ले लें और फिर कुरान के साथ जैसा सलूक चाहेंगे करेंगे। जो कुछ कुरान ने हलाल कहा है उसको हम हराम कर देंगे, जो हराम कहा गया है उसको हलाल कर देंगे। एक मरतबा कुरान को उसके मुहाफिज के कब्जे से आजाद तो होने दो। करबला कुछ और नहीं, कुरान पे कब्जे की कोशिश है। यजीद चाहता है कि अब कुरान की ताबीर हम करें और जो कुछ हम करें उसे दुनिया समझे कि यही फरमाने कुरान है। लोग कुरान न देखें, हमारे कौल को समझें कि यही कुरान अल्लाह का फरमान है। जिसे हम हराम कहें उसे दुनिया हराम समझे। ये कुरान पे कब्जा करने की कोशिश, कुरान पे कब्जा नहीं हो सकता जब तक मुहाफिज कुरान इसका अताअत गुजार ना हो। जरा गौर फरमाइए कि एक ऐसा शहनशाह जिसकी मुमलकत के 22 सूबे 22 सूबे थे, 22 रियासतें थीं, कि आज वो 22 सूबे अपनी अपनी जगह एक एक और दो दो मुल्कों में तकसीम हो चुके हैं, मुल्क हैं बाकायदा। पूरी आज की इस्लामी दुनिया उसके सूबों में, उसकी मुमलिकत में शामिल है। इतना बड़ा बादशाह, इतनी बड़ी मुमलिकत, एक शख्सियत है जो कहती है मैं तुझे हाकिम नहीं मानती, मैं तुझे हुक्मरान नहीं मानती। एक शख्सियत है ना। आपके यहां ऐसी सूरत हाल हुई है कि बराबर बराबर के वोट हैं। अगर किसी एक रियासत में चंद वोट किसी के हिसाब में ज्यादा मिले तो परसेंटेज के ऊपर उसका असर बिल्कुल अगर पड़ा भी तो आशारिया 0.0 पता नहीं कितने के जीरो के बाद वो 1% कहीं डिफरेंस पड़ा होगा। उस 1% डिफरेंस की वजह से जिसने वो 1% वोट ज्यादा लिए वो सदर बन गया, जो उससे महरूम रहा वो सदारत से महरूम हो गया। दुनिया ने इस फैसले को तस्लीम कर लिया, यहाँ के अवाम ने तस्लीम कर लिया। वहां पर इतनी बड़ी मुमलिकत, पूरी आबादी यजीद को अमीरुल मोमिनीन मान रही है, एक फर्द, तन्हा एक फर्द कह रहा है हम तुझे नहीं मानते। क्या बिगड़ता यजीद का अगर हुसैन न मानते, क्या नुकसान होता, इतनी बड़ी सल्तनत मान रही है। लेकिन ये यजीद जानता है कि हुसैन के मानने न मानने की कीमत क्या है। जरा गौर कीजिए ये मुतालबे बैत क्यों है। इसलिए कि अगर हुसैन मान जाएं तो फिर यजीद का कब्जा कुरान के ऊपर हो जाता है। फिर अगर कुरान ने कहा है कि अताअत करो अल्लाह की, रसूल की और उलिल अम्र की, तो अब बेदरेग हम कह सकेंगे कि उलिल अम्र हमारे अलावा कोई और नहीं। वो कुरान का मुहाफिज ये बताना चाहता है कि तेरा दावा उलिल अम्रियत बिल्कुल झूठा है, देख उलिल अम्र क्या होता है। मैं उलिल अम्र के मकाम पर एक मरतबा तेरे मुतालबे बैत पे नहीं कह रहा हूं। अगर तू साहब अम्र है, तू साहब इख्तियार है, तो मेरे नहीं को हां में बदल के दिखा दे।
बस जनाबे वाला, बातिल ने पूरा जोर लगा लिया, करबला में तो ये नहीं हाँ में नहीं बदल सकी। करबला में हुसैन भी आजाद शहरी हैं, हुसैन के अफराद खानदान भी आजाद शहरी हैं, बहुत से ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी दिलों की तकवीयत का सामान है, दिलों की ढारस का सामान है। लेकिन करबला खत्म हुआ, दिलों की तमाम ढारसें खत्म हो गईं, तमाम सहारे खत्म हो गए, तमाम मुहाफिज दुनिया से चले गए। अब कुछ बेबस औरतें हैं, उनके साथ कुछ यतीम बच्चे हैं। अच्छा, कल हुसैन ने बैत नहीं की थी, इन कैदियों से बैत ले ले, इन बेबस लोगों से बैत ले ले। अरे बैत तो बड़ी दूर की बात है, ये बड़े अजीम किरदार के मालिक हैं। मुसीबत में किरदार को बचा लेना बड़ी मुश्किल बात होती है। अच्छे से अच्छा आदमी, बड़ा खुश मिजाज, बड़ा तबीयत में हर वक्त मजाक का पहलू है, जब कोई मुसीबत पड़ती है तो मजाक रुखसत हो जाता है, अब चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। बड़ा मिलनसार, एक दूसरे के बड़ा काम आने वाला, कहीं मुश्किल आ पड़ती है तो वहां पर उसके अंदर, यानी वो कोशिश ही करता है कि दूसरे लोग उसके उसकी ख्वाहिशात का ख्याल रखें, वो खुद गरज हो जाता है, लालची हो जाता है। ये सब कैफियतें होती हैं, लेकिन अल्लाह रे करबला वाले इतनी मुसीबतें पड़ी, किसी के किरदार की अजमत एक लम्हे के लिए कम नहीं होने पाई। ये तस्किरा ज़ैनब उम्मे कुलसूम का नहीं, ये तस्किरा अली के गोद के पालों हुआ का नहीं, ये तस्किरा उन बुजुर्गों का नहीं जिन्होंने खानवादा रिसालत में रहकर आदाब जिंदगी सीखे थे, ये उन नन्हे नन्हे बच्चों का जिक्र है जिनकी प्यास बेपनाह है, लेकिन शिद्दत प्यास में अजमत आदमियत को ठेस नहीं लगी। जुमले की वजाहत कर दूं, कल मैंने अर्ज किया था, कल एक जुमला अर्ज किया था, हमें यह तो मालूम है कि कब से करबला में पानी खत्म हुआ, कब से ये बच्चे प्यासे हैं, कब से ये बीबियां प्यासी हैं, लेकिन हमें आज तक मालूम नहीं हो सका कि ये कब तक प्यासी रही। जिस दिन कूफे में ये काफिला दाखिल हुआ है, क्या आप समझते हैं कि सारी रात जब कूफे के बाहर ये काफिला ठहराया गया था तो वहां पानी पिलाया गया था, वहां इनकी तवाज़ो की गई थी, सारी रात कोई पुरसान हाल नहीं हुआ। काफिला चला है शहर में, जरा शहर का मंजर निगाहों में सामने रहे, ये आज की चौड़ी चौड़ी सड़कें, ये वसी रास्ते ये नहीं हैं, बल्कि तंग गलियां हैं, तंग गुजरगाहें हैं, ऐसी गुजरगाहें कि अगर एक ऊंट गुजर रहा है तो दूसरा ऊंट वहां से गुजर नहीं सकता। इतनी तंग राहें हैं कि मकान पे बैठी हुई छतों पर औरतें अगर वो चाहती हैं तो इन ये बीबियां जो ऊंटों पे सवार हैं इनको कोई चीज पेश कर सकती हैं, जो बात कहती हैं वो बात इनके कानों तक जाती है, जो जवाब देती हैं वो लोग सुनते हैं। इस कैफियत में ये जुलूस गुजर रहा है, सड़कों पे बेपनाह हुजूम है, रास्तों में बेपनाह हुजूम है, ऊंट को एक कदम उठाने में काफी काफी वक्त लग जाता है। इस कैफियत में एक जगह से ये काफिला जा रहा है, छत नीचे इंसानों का हुजूम है, उसमें एक बीबी गोद में एक बच्ची को लिए बैठी हुई है, बच्ची बार बार अपने सूखे होठों पे जबान फेरती है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। छत पे बैठी हुई कुछ बीबियां, छत पे कुछ बैठी हुई बीबियां, उनकी नजर पड़ी इस बच्ची पे। जब ये ऊंट करीब आया तो एक छत पे बैठी हुई एक बीबी ने, जो सर से पैर तक चादर में अपने आप को ढांपे हुए थी, कितना मुश्किल होगा ज़ैनब के लिए मंजर देखना कि उम्मत की औरतें तो अपने पर्दे की हिफाजत करें और ज़ैनब बाजार में सरबराह ना हो। बाहर तौर जब ज़ैनब करीब पहुंची तो एक छत पे बैठी हुई एक बीबी ने कहा, बीबी ये तुम्हारी गोद में जो बच्ची है ये तो बड़ी प्यासी है। हाँ प्यासी है, इसे किसी ने पानी नहीं पिलाया? ज़ैनब क्या जवाब देती, पानी पिलाने वाला तो बाजू कटाए दरिया पे लेटा हुआ, कौन पानी पिलाता? उसने कहा बहुत प्यासी है, अच्छा मैं इसके लिए कुछ पानी का इंतजाम करती हूँ। जल्दी से भाग के गई, एक बर्तन में पानी लेके आई। सकीना नामालूम कब की प्यासी है, जाम बढ़ाया गया,
पानी बढ़ाया गया, सकीना कभी पानी को देखती कभी फूफी का चेहरा देखती। दुनिया नहीं समझ सकती कि इतनी प्यासी बच्ची प्यास की शिद्दत में इस पानी की तरफ हाथ क्यों नहीं बढ़ा रही। लेकिन जबान मिजाज को, जैनब जबान अपनी बेटी की जबान को समझ रही है, उसकी सोच को समझ रही है। मुखातिब हुई सकीना, में समझ गई मसला क्या था। जैनब देख रही थी कि वो हाथ जो हमेशा दुनिया को देते आए हैं आज लेने के लिए कैसे बढ़े। बस आमीन मोहतरम, चंद जुमलों की जहमत, जैनब समझ गई कि सकीना को हिजाब आ रहा है, कैसे दूसरे की पेशकश कबूल कर ले। कहा बेटी क्यों घबराती है, अरे पानी दे रही है ना, तो यूं ना ले, इसकी कीमत दे दे, कीमत दे दे। जैसे ही लफ्ज कीमत कहा, सकीना के नन्ने नन्ने हाथ अपने कानों की तरफ गए। अभी अम्मा मेरे पास रहा क्या है, दो गोश वाले थे, अब तो कानों के जख्म के अलावा कुछ बाकी नहीं है। जैनब का, सकीना घबरा नहीं, तेरे पास बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है, अल्लाह ने तुझे बड़ी अजमतें अता की हैं, तू अगर किसी की दुआ पे आमीन कह दे ना तो उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। इस बीबी से पूछ, इसकी कोई हाजत हो तो उसके लिए दुआ कर दे, दुआ कर दे। पर बुजुर्गाने मोहतरम, बीबी ने जब देखा कि यतीम बच्ची मेरी दुआ पे आमीन कहने जा रही है, उसने एक तमन्ना का इजहार किया, बेबी मेरी जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, किसी दिन मौत आ जाएगी, बस चाहती हूँ कि मरने से पहले अल्लाह एक मर्तबा मदीने की ज़ियारत करा दे। जैनब ने सुना, एक मर्तबा बालों के पर्दे से उस बीबी को देखा, कहा मदीने क्यों जाना चाहती है, मदीने क्यों जाना चाहती। कहा बीबी सारी जिंदगी मैंने एक घर की खिदमत की थी, वहां कुछ शहजादियां थी, उन शहजादियों की ज़ियारत के लिए जाना चाहती हैं। कौन सी शहजादियां मदीने में, क्या नाम है उनका। एक मर्तबा अदब से कांप गई, कहा मेरी शहजादियों का नाम बाजारों में नहीं लिया जाता, बाजारों में नहीं लिया जाता। ज़ैनब ने कहा है उम्मे हबीबा, जिनका तू नाम नहीं ले सकती, बेमखनाओ चादर बाजारों में फिराई जा रही है। हुसैन मारे गए, ज़ैनब बाजारों में घुमाई जा रही है। رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات آخرت کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، اور بالخصوص پروردگارہ آج ایک ذاکر حسین، ایک محب آل محمد، جناب سچے بھائی کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد ہوا ہے۔ رسمن ہم ان مجلسوں کو ایصال ثواب کی مجلس کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مخلص ذاکر حسین ہے تو اس کے خلوص کا صلہ یہ ہے کہ ہم اس کی شفاعت کی دعا، ہم اس کے مغفرت کی دعا نہ کریں بلکہ قیامت کے دن وہ ہمارا شفیع ہو۔ پروردگار عالم سچے بھائی جیسی نے یہ عظیم منصب عطا کیا تھا کہ وہ عزائے حسین میں ایک لیجنڈ کی حیثیت رکھتی ہیں، پروردگارہ ان کے درجات آخرت یقیناً بہت بلند ہوں گے، قیامت کے دن ہمیں ان کی قربت نصیب فرما۔ رب العالمین ان کا چشم و چراغ جو آج ان کے نام کو باقی رکھنے کا وسیلہ ہے، یا اللہ اسے ان صلاحیتوں سے مالا مال فرما کہ جو تو نے مرحوم کو عطا کی تھیں، اور بالخصوص اس کو اس خلوص کی نعمت عطا فرما دے جو خلوص تو نے مرحوم کو عطا کیا تھا ذکر حسین کے سلسلے میں۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ اخلاص اپنے مجلس کے متعلقین کے لیے بھی، اور جناب سچے بھائی کے لیے بھی۔